ने इंडियन बैंक के बाहर दिया धरना। पति पवन सोलंकी के नाम से स्वीकृत लोन की राशि नहीं मिली। 1,50,000 के लोन का लगाया था आवेदन। 5 महीनों से भी अधिक समय से लगा रही है बैंक के चक्कर। अगस्त माह में ही आ गई थी 45,000 रुपए सब्सिडी। मैनेजर ने शाम तक राशि डलवाने का दिया आश्वासन। बेरोजगारों को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन देकर रोजगार से जोड़ने के लिए शासन द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन बड़वानी मुख्यालय पर आलम यह है कि इंडियन बैंक के बाहर बिलक बिलक कर आंसू बहा रही महिला स्वीकृत लोन के लिए राशि नहीं मिलने से प्रताड़ित है। रोज रोज बैंक के चक्कर लगाकर तंग आ चुकी है महिला। बैंक के सामने ही रोड पर दिया धरना। दरअसल महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और पति पवन सोलंकी को हार्ट की समस्या है, जिसके चलते वह पति को किराना दुकान खुलवाकर होने वाली आमदनी से घर परिवार का गुजारा करना चाहती है, जिसके लिए उसने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन के लिए आवेदन किया था। लोन स्वीकृत भी हो गया, खाते में सब्सिडी की राशि भी आ गई, लेकिन बैंक से लोन की राशि अभी तक नहीं मिल पाई। वहीं राशि न मिलने से महीनों से बैंक के चक्कर लगा रही है महिला। बैंक के रोज रोज आश्वासन से तंग आकर बैंक के बाहर ही धरने पर बैठ गई। बैंक मैनेजर ने शाम तक राशि खाते में डलवाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद महिला धरने से उठी। कल शाम तक अगर राशि नहीं आई तो महिला बैंक के सामने ही आत्महत्या करेगी, ऐसी उसने धमकी दी है। जी मैडम, अभी स्टाम्प लगेंगे, अभी फलानी फाइल बना दी, तो आप आज ये होगा फाइल बना, फिर एक हफ्ते तक। आज मैंने पहले से आवेदन किया था, जो पास हो गया था 8वें महीने में 9वें महीने में सब्सिडी भी डल गई थी। उसके बाद भी रोज बैंक वाले मेरे को 5 महीने 6 महीने से दौड़ा दौड़ा के थक गई थी। अभी मैं अंदर जाके जवाब दिया मैं इनके, सर क्या हुआ, तो मेरे को ऐसा बोला गया कि मैडम अभी फाइल आगे गई है तो टाइम तो लगेगा, तो फाइल टाइम लगेगा तो 6 महीने 7 महीने तो तुमने टाइम लगा दिया, और कितना टाइम लगाओगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लिया था। मैं 5 महीने से दौड़ रही हूँ। यह है मेरे हस्बैंड का लोन जो पास हुआ था, पवन कुमार सोलंकी नाम है मेरे हस्बैंड का, और यह सब्सिडी 9वें महीने डली थी और ये 8वें महीने में लोन पास हो गया था, जो कि बैंक का द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। उसके बाद भी अभी तक ना तो पैसे डालने का नाम लिया जा रहा है, ना कुछ नहीं, और रोज आ जाना कल आना रोज यही बात को लेके दौड़ाते हैं सर। वो 1.5 लाख का लोन था और 45,000 की सब्सिडी थी सर। क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, पर क्योंकि हार्ट पेशेंट है वो ज़्यादा मेहनत कर नहीं सकते हैं, इसके लिए एक छोटे से किराना दुकान के लिए हमने लोन का अप्लाई किया था। एक्चुअली इसका जो पवन सोलंकी जी का जो हमारे पास में केस था, वो सर्कल ऑफिस से हमको स्वीकृति के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और हमने स्वीकृति के लिए ऑलरेडी दे दिया। महिला को 4 से 5 दिन पहले स्ट्राइक होने के पहले हमसे मुलाकात भी करी थी, हमने दो दिन का बताया था कि 2 दिन के अंदर आपका कंट्रोलिंग ऑफिस से जैसी स्वीकृति मिलेगी उनका डिसबर्समेंट हो जाएगा। अब चूँकि स्ट्राइक होने के कारण 4 से 5 दिन तक बैंक लगातार बंद थे, और आज महिला सुबह भी आए थे और उनको मैंने बताया कि 4 से 5 दिन स्ट्राइक में होने के कारण जानकारी नहीं मिल पाई है, आज मैं बात करके उनको जो भी है डिसबर्समेंट का भराएगा, और उनको भी मैंने कंट्रोलिंग ऑफिस से हमारी चर्चा भी करी है, उनके लेवल पे उन्होंने मुझे स्वीकृति दे दी है। अब इनकी तरफ से महिला की इनका पवन सोलंकी जी की तरफ से जो भी लोन की डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटी है वो कम्प्लीट करने के बाद में इनका डिसबर्समेंट आज किया जाएगा। 9 महीने से नहीं हुई सर, आपका ये अभी 9 महीने तो आपका साल में भी नहीं हुए हैं अभी। अब सब्सिडी आपकी आने के बाद में 4 केसेस ऑलरेडी हो चुके थे, 4 केसेस हमने भेजे थे ऊपर अभी, क्योंकि पहले ब्रांच की पावर में था इसलिए ब्रांच में इमिडिएटली करवा देता था।